फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल द बोंगोमी ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ ब्लॉग। एंड आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग वो देखा होगा जहाँ पे मैंने मेरे दही सर में शिफ्ट हुई थी। अभी आप सोच रहे होंगे कि पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग है, बिकॉज मैंने फिर से चेंज किया एंड आई शिफ्टेड टू अंधेरी टू वन आर के फ्लैट। सो यू कैन इमेजिन लाइक विद इन वन एंड टू मंथ्स कितना कुछ चेंजेस हुआ है, and due to which I was not able to make vlog and videos and I was really exhausted with my work, with the traveling, मतलब because वो highway पे था, so रात को मुझे बहुत problem होती थी, आई मैं time पे नहीं जा पाती थी office traffic and all के लिए, so I just change it and मैंने नया TV नया फ्रिज खरीदा था, बट वो भी मैंने ओलेक्स पे बेच दिया। एंड ये मेरा 1 आर के फुल फर्निश फ्लैट है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। एंड गाइज, मैंने सोचा था कि मैं PG में शिफ्ट होंगी, बट ट्रस्ट मी, जो सिंगल रूम वाला PG है ना, एक रूम दे देते हैं आपको, लेकिन सारे बाथरूम एंड किचन कॉमन है, और किचन इतना मतलब गंदा था। एंड आई थॉट कि इससे अच्छा कि जितना मैं 1 रूम का मैं पे करूँ, उससे अच्छा कि मैं अपने लिए एक 1 आर के फ्लैट ही मुझे मिलेगा, विथ ऑल प्राइवेसी, विथ अटैच बाथरूम, विथ फुल फर्निश्ड। सो बिल्डिंग थोड़ा पुराना है शॉ फॉर शॉ, बट यू नो मैं सब कुछ खूबसूरत बना सकती हूँ विथ माई ओन इमेजिनेशन। सो राइट नाउ आई एम सेटल्ड, आई एम हैप्पी इन दिस प्लेस, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी जर्नी नहीं होता, थकावट नहीं होता। आई कैन ईजिली गो टू माई ऑफिस, आई कैन ईजिली गो कम बैक टू माई होम एट मतलब 20 मिनट्स में आ जाती हूँ मैं, विच इज़ मैं थोड़ा इतना थकती भी नहीं हूँ। मैं ना वेरी मच हैप्पी एंड होपफुली यहाँ पे मैं रह पाऊँ बहुत टाइम तक। सो मैं लास्ट वीक सेट मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी एंड एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। मैंने सब क्लीन किया, आज तो बहुत सारा कपड़ा भी धोए। सो राइट नाउ आई एम गोइंग आउट। सो मैंने सोचा कि अब से मैं थोड़ा सा ब्लॉग पे भी ध्यान दूंगी, बिकॉज आई रियली लव मेकिंग ब्लॉग्स। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं आज मैं क्या क्या लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच आई हैव टू डू। सो आप लोग बने रहिए एंड मैंने मास्क वास्क पहन लिया, ऑल रेडी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेदर इज गुड राइट नाउ बिकॉज बारिश का मौसम चल रहा है एंड आई हैव माई छाता विद मी। बेस्ट थिंग इज यहाँ पे बहुत सारे बिल्कुल प्लांट है एंड प्लांट देखने को मिलता है एंड विच इज रियली वेरी नाइस। आई जस्ट केम टू सैलॉन बिकॉज मेरी स्किन एंड हेयर की हालत बहुत ख़राब है, सो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लूँ। सो लेट्स सी। आज है संडे, कल मैंने ब्लॉग पूरा शूट नहीं किया था क्योंकि आप लोगों ने देखा बारिश हुआ था, तो मैं घर आई, मैं टायर्ड हो गई थी, मोबाइल का चार्जिंग भी ख़त्म हो गया था, मेरा चार्जर भी ख़त्म हो गया था। सो सुबह उठी आज, अभी मैं खाना बना रही हूँ एंड ओनर भी आए थे सुबह, सो अभी मैं थोड़ा बाहर निकली, निकल के अपना चार्जर पहले लाई, थोड़ा सा चार्ज किया फोन अभी। सो आज है संडे, तो कल भी मेरा इतना कुछ जो प्लान था नहीं हुआ, जस्ट मैंने अपने आप को थोड़ा पैम्पर किया। आज इंटरनेट लगाना है, वाईफाई लगाना है मुझे मेरे घर में, तो पेमेंट तो मैंने कर दिया, लेकिन जिसको लगाना है वो अभी तक नहीं आया, जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, और मुझे आज बाहर जाना है। सो देखते हैं, अभी मैं खाना बना रही हूँ, मेरे ये छोटा सा 1 आर के फ्लैट है, छोटा सा किचन है। तो अभी बन रही है मेरी दाल, आज बनेगा दाल, चावल और ऑमलेट। तो
फाइनली मेरा लंच रेडी है, तो थोड़ा राइस जल गया है, कोई बात नहीं मैं खा लूँगी। और आचा है, ऑमलेट है, तो चलिए खा लेते। अभी बजे हैं शाम के 6:30। मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, सो अभी जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं किधर जा रही हूँ, बट मुझे मॉल जाना है। मुझे बहुत सारी मैं चाहती हूँ मैं एक ही जगह पे जाऊँ और मुझे सारा सामान मिल जाए, एंड इसलिए मैं यहाँ पे मतलब अंधेरी में मैं नहीं आई हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किधर क्या है। गूगल मैप में भी इतना समझ में नहीं आ रहा है। सो कल नहीं, लास्ट संडे मैं अपने फ्रेंड के साथ अंधेरी वेस्ट लिंक रोड गई थी, तो मुझे यहाँ पे एक मॉल दिखा एंड आसपास बहुत सारे पब थे एंड यू नो लाइव म्यूज़िक के थे। तो मैं सोच रही हूँ कि संडे ऐसे बेकार में नहीं जाने देते, कल से फिर से ऑफिस हैक्टिक वर्क। सो मैं सोच रही हूँ कि वो मॉल से सारा सामान खरीद के मैं थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक सुन के थोड़ा अपना आज संडे अच्छे से बिता के मैं घर आऊँ, ताकि कल से मैं अच्छे से यू नो ऑफिस फिर से स्टार्ट कर सकूँ। पर मुझे मालूम नहीं है कि मेरा प्लान है, सो देखते हैं। सो आप लोग भी चलिए, आप जहाँ से शॉर्टकट कर है उधर से जाओ, मुझे आप पर भरोसा है। Thank you.
6 क्योंकि मुझे कल जिम जाना है। तो आज मैंने जो शॉपिंग किया, मैंने ट्रैक पैंट लिए जिम के लिए, 3 टी शर्ट एंड ऑल्सो मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी, लाइक सब्ज़ी इन सेंस आलू धनिया वो सब। सो ये हफ्ता चलने के लिए। सो अभी मैं ऑल सेट हूँ। अभी कल ऑफिस में मेरे मिंत्रा के कुछ सामान आएंगे, सो ऑब्वियसली मैं हॉल वीडियो बनाऊंगी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मिंत्रा एंड नायका से मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, वो जो मेरे ख़त्म हो गए। इट्स बीन अ 3 मंथ्स मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं था। सो अभी वो कल। एंड यस, ये मैं ना, मेरा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, मतलब पहले शिफ्टिंग किया था वो टाइम पे भी खर्च हुआ एंड ये इस बार भी शिफ्टिंग किया एंड बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत के सामान है वो तो ख़रीदना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, बट फाइन यार। सो अभी से मैं अपना ब्लॉग ऑन ए रेगुलर बेसिस देती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो मैंने ब्लॉग शूट कर रही थी। एंड वो जो जहाँ पे मैं कॉफ़ी शॉप में गई थी, वो वाइब्स बहुत ही अच्छा था। सो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी, बिकॉज इट अल्टीमेटली आई हैव टू मेक माई सेल्फ हैप्पी सो दैट मैं ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। सो एनीवेज, आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू कम्प्लीट। सारा सामान करना है, घर साफ करके मुझे सोना है जल्दी जल्दी। सो अभी मैंने पीछे का लाइट ऑन किया है एंड ये बहुत आवाज़ करता है ये लाइट। सो आई होप इतने दिनों बाद आप लोगों को मुझे देख के अच्छा लगा होगा, मुझे भी इतने दिनों बाद ब्लॉग बना के बहुत अच्छा लगा है। अभी मैं जल्दी जल्दी सारा जो सामान लिया है अच्छे से रख के आई विल बी, यू नो, मैं फ्रेश होके सो जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह से मेरा जिम स्टार्ट होगा एंड आई एम सो हैप्पी एंड और कल से ऑफिस भी स्टार्ट होगा। बाय गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आप लोगों को मेरा इंडिपेंडेंट लाइफ देखने में अच्छा लग रहा होगा। बाय गाइस।